नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शादी एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे हम सामाजिक संविधान भी कह सकते हैं। शादी के बंधन से नए रिश्ते बनते हैं, दो अलग अलग परिवार एक होते हैं। हमारे समाज में कोई लव मैरिज करता है तो कोई अरेंज मैरिज। गुजरात में कुछ लोग चाहते हैं कि लव मैरिज पर कानून बने और प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य हो। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने संविधान के दायरों में मंथन करने का भरोसा दिया है। आखिर क्यों उठ रही है ये मांग? क्या संविधान के दायरों में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है? अगर इस दिशा में कदम बढ़ते हैं तो ये समाज विशेष के लिए होगा या फिर सबके लिए? ऐसे तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा चर्चा में, लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शादी दो लोगों के जीवन का बंधन होता है। एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधते हैं, उनके साथ दोनों के परिवार भी बंध जाते हैं। हर किसी को एक आदर्श जीवन साथी की तलाश रहती है और सोच समझकर विवाह का फैसला लिया जाता है। भारत में लव मैरिज भी होती है और अरेंज मैरिज भी। अरेंज मैरिज में दूल्हा दुल्हन के परिवारों की सहमति होती है, लेकिन लव मैरिज पर कई बार पारिवारिक सहमति नहीं मिल पाती। अब लव मैरिज को लेकर गुजरात में एक नई लकीर खींचने के लिए आवाज उठी है। वहाँ एक तबका लव मैरिज के लिए माता पिता की सहमति को अनिवार्य करने की मांग कर रहा है और उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि वहाँ घर से भागकर शादी करने के मामले बढ़ रहे हैं। जब ये सवाल गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने आया तो उन्होंने भी इस मसले पर अध्ययन कर संविधान के दायरे में उचित व्यवस्था बनाने पर मंथन की बात कही। तो कहता था कि भैया जे छोकरियों भगाड़ी जवामा कहीं फरी थी जोवू जोईए, बधानो स्टडी करवो जोईए कि जेथी करीने मां बाप नी अंदर सहमति थाय एवुं कंई थई सके। बंधारण आपणने क्यांय ना नड़े तो एना माटे एक स्टडी करीशुं अने एनी अंदर आपणे सारामां सारूं जो रिजल्ट लाई शकाय तो एनो प्रयत्न पण आपणे करीशुं। आपणे सौ साथे आजे भेगा थया छे त्यारे हवे महिसाणा में हुए पाटीदार समाज के कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री ने बात कही। पाटीदार समाज लंबे वक्त से इसे लेकर मुहिम चला रहा है। सीएम के इस बयान के बाद इस मसले पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। प्रेम लग्न का कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कायदे में कुछ थोड़ा फेरफार करने की जरूरत है कि जैसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई भी लड़की की शादी होती है तो उसके अपने घर से ही विदाई होती है। प्रेम लग्न में मंजूरी की आवश्यकता कोई नहीं है। अगर वो 18 साल के ऊपर लड़की या लड़का कोई भी हो तो वो कर सकता है अपनी मर्जी से। लव मैरिज में माँ बाप की सही लेनी जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे की उम्र 18-20 साल में कच्ची उम्र होती है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको ज्यादा समझ में नहीं पड़ती। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके पीछे सोच क्या है। बेशक हमारे हिंदुस्तान का अपनी जो सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से माँ बाप और पूरा परिवार रिश्तेदार सब सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये फैसला दो लोग शादी करें ये तो दो वयस्क लोगों का ही होता है। अगर इसमें सहमति माँ बाप की बच्चे लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है। हमारा संविधान अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है, सिर्फ लड़की 18 साल की हो और लड़का 21 साल का। और अगर दोनों अपनी मर्जी से शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ऐसे में अगर इससे जुड़ा कोई कानून बनता है तो क्या वो सफल वैवाहिक जीवन की गारंटी दे सकता है? तो माँ बाप अगर उसके बुरे नतीजे को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ कानून लाने की व्यवस्था कराते हैं या सरकार करती है तो सफल होता ही है। लव मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी को अनिवार्य करने पर मंथन की बात हो रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि शादी को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू चूज ये लोगों को राइट देता है कि वह शादी अपने मर्जी से कर सकते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि हमारा संविधान इस तरह का कोई कानून बनाने की इजाजत देता भी है या नहीं। भारत में संविधान
संवैधानिक रूप से विवाह के लिए माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। भारत में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें विवाह के लिए माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक हो। प्रेम विवाह के लिए अभिभावकों की मंजूरी को अनिवार्य बनाने पर मंथन की बात हो रही है। सीएम भरोसा दे रहे हैं कि संविधान के दायरों में सर्वोत्तम व्यवस्था पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस मामले में इतनी पेचीदगियां हैं कि ये काम आसान नहीं। इस मसले के कई पहलू हैं जो हमारे समाज की सोच से भी जुड़ते हैं और कानून से भी। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये मसला बहुआयामी है, ये दोनों के बीच का भी मामला है, इसमें परिवार भी सम्मिलित है, यहां पर समाज की भी बात है और यहां पर कानूनी दायरों की भी बात है। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करवा दें अपने मेहमानों से आपका, जो आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। आपको बताएं कि गुजरात से ये बात उठी है, तो गुजरात से हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर मौजूद रहेंगी। वहां के लोगों के बीच इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, ग्राउंड रिपोर्ट वो हमें बताएंगी। इसके अलावा हमारे साथ मृणालिनी देशमुख रहेंगी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि कुमार रहेंगी साथ में चर्चा के लिए, साइकोलॉजिस्ट और फैमिली थेरेपिस्ट हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जीनत शौकत अली भी मौजूद रहेंगी इस चर्चा में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा गोपी का। गोपी, गुजरात से आवाज उठी, मंथन की बात हो रही है, आप लोगों के बीच गई हैं, आपने लोगों से बातचीत की है, इस पर गुजराती समाज खासकर क्या सोच रहा है? और यहां पर भी दो धड़े हैं समाज के, एक युवा वर्ग और एक वो जो उन युवाओं के माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, उनका परिवार है और समाज है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आवाज उठी, और ये आवाज जो है ये पाटीदार समुदाय का एक कार्यक्रम कल था और वहां से ये आवाज की शुरुआत हुई है। दरअसल पाटीदार समुदाय ये चाहता है कि उनकी जो बेटियां हैं या उनके जो बेटे हैं वो कई बार लव मैरिज करते हैं और उसके बाद जो उनके पति या पत्नी जो भी होते हैं वो इस तरीके से कैरेक्टर होते हैं जिसके घर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि पाटीदार अक्सर हमने देखा है कि वो ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो वैसे में सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि कई बार शादियां टूट जाती है, अब जब टूट जाती है शादियां तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी खड़े हो जाते हैं। तो वैसे में अब ये मांग उठी है, पाटीदार समुदाय की ओर से ही ये मांग उठी थी कि जो लव मैरिज होती है उसमें पेरेंट्स की मर्जी होनी जरूरी है, बिना पेरेंट्स की मर्जी के ये शादी नहीं होनी चाहिए। कल जब पाटीदार समाज का ये कार्यक्रम था तब खुद मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री से भी इस मामले में कई बार चर्चा हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री भी खुद पाटीदार समुदाय से आते हैं। तो मुख्यमंत्री से जब बातचीत उनकी हो रही थी तभी मुख्यमंत्री के जरिए ये बयान दिया गया कि जो मांग है उठी है समाज की ओर से, जो मांग उठी है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी अगर लव मैरिज करनी है तो परिवार की सम्मति होनी जरूरी है। तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बदलाव करके लाया जा सकता है उसको लेकर हम सोचेंगे। इस तरीके का जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो युवा है उनको काफी यहाँ पे विचलित कर रहा है, क्योंकि युवा लगातार ये कह रहे हैं कि लव मैरिज का मतलब क्या होता है, जब अगर पेरेंट्स जो है पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो वो कई बार भाग के भी शादी कर सकते हैं, अगर दोनों ही मैच्योर है दोनों ही बालिक है तो वैसे में उनको पेरेंट्स की मर्जी की हाँ ये जरूर है कि अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन जब पेरेंट्स नहीं मानते हैं जबरदस्ती किसी की शादी करवाते हैं तो ऐसे केसेस में अगर वो लव मैरिज करना चाहे कोर्ट के अंदर शादी करना चाहे तो उसमें पेरेंट्स की मर्जी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के जो युवा है उनके साथ जो हमारी बात हुई है वही, लेकिन पॉलिटिकल बयान इस पे काफी ज्यादा हो रहे हैं और पॉलिटिकली कई समाज के जो दूसरे समाज के लोग है चाहे वो ठाकुर समाज के लोग है या दूसरे ओबीसी समुदाय के लोग है, उन लोगों का ये कहना है कि ये डिसीजन लेना ही चाहिए चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि समाज की दृष्टि से वो कहते हैं कि हाँ ये डिसीजन होना चाहिए, लेकिन युवाओं की दृष्टि से कहीं ना कहीं युवा जो है वो इस फैसले से नाराज चल रहे हैं। जी, आपने कहा कि पाटीदार समाज की तरफ से ये मांग प्रमुखता से उठी है, लेकिन गुजरात के अंदर बाकी भी समाज के धड़े रहते हैं, बाकी भी तबके रहते हैं, उनकी क्या सोच नजर आती है इसको लेकर?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जब खड़ा हुआ तो उसके साथ लव जिहाद का भी जिक्र हुआ कि लव दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में शादी होती है, तो वैसे में लव जिहाद के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं और वो मामले भी सामने आएंगे। तो वैसे में अगर लव मैरिज के अंदर पेरेंट्स की मर्जी होनी जरूरी है, उनकी साइन होनी जरूरी है, तभी वो शादी कर सकते हैं। अगर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो लव जिहाद जैसे जो मामले हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। लेकिन युवा है, बालिक है, सरकार संविधान उनको मंजूरी देता है शादी की उम्र तक, उम्र के बाद वो खुद शादी कर सकते हैं, तो वैसे में युवा इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा नाराज दिखते हैं। जी गोपी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे, और भी पहलू हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। हम सीधे मृणाली देशमुख का रुख करेंगे जो किसी ने एडवोकेट है। मृणाली जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मंथन की बात हो रही है, ये जो एक व्यवस्था विकसित करने की बात हो रही है, क्या ये संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर मुमकिन है? आखिर इसके दायरे कैसे निश्चित किए जाएंगे, कैसे इस दिशा में बढ़ा जाएगा अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो? मृणाली जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम सीधे गीतांजलि जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे जो कि साइकोलॉजिस्ट है, फैमिली थेरेपिस्ट भी। आप गीतांजलि, एक बच्चों के साथ माता पिता का, परिवार का एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, और वो इमोशनल बॉन्डिंग बचपन से लेकर जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी हो जाते हैं, तब भी वो इमोशनल बॉन्डिंग उनके लिए बच्चे की तरह ही वो उनको ट्रीट करते हैं। तो क्या माना जाए कि अगर परिजनों की तरफ से ऐसी मांग उठ रही है, चाहे समाज विशेष की तरफ से उठे, तो यहां पर एक इमोशनल बॉन्डिंग वो यहां पर रोल प्ले कर रही है अपना, या फिर जो भविष्य से जुड़ी इनसिक्योरिटीज हैं वो रोल प्ले कर रही हैं, या समाज में जो आसपास घटित हो रहा है उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू यहां पर उभर कर प्रमुखता से सामने आता है जो ये मांग उठी? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये जितने कारण आपने व्यक्त किए हैं ये सभी कारण यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। किसी एक भी कारण को हम तुल नहीं दे सकते। डेफिनेटली एक इमोशनल बॉन्डिंग रहती है। माता पिता जब बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनसे बहुत उम्मीदें भी लगाते हैं। जब उनका उनके स्कूल कॉलेज के विषयों के फैसले वो करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें शादी का फैसला भी उनके बच्चों का उन्हें लेना चाहिए। उनमें समझ ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन केवल यही इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, बहुत सारी जो आपने कहा कि फियर्स भी रहते हैं, इनसिक्योरिटीज भी हैं आने वाले समय की। लेकिन हम कोई भी वजह को एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट रूल के तौर पे लेते हुए, ब्लैंकेट वजह के तौर पे लेके लेते हुए एक सही फैसला कर रहे हैं इस तरह का कानून लाने में, जो मेरे हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शायद इसका कोई स्कोप भी नहीं देता है। मैं एक लीगल एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास, पर जितनी मेरी समझ कहती है, मेरे हिसाब से ऐसा प्रावधान मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हर बार हर माता पिता का फैसला उसके बच्चों के लिए सही होगा वहां पर भी सवाल उठता है। यहाँ तक कि जब विषयों का फैसला भी करना होता है वहां पर माता पिता अगर अपनी मर्जी थोप लेते हैं तो बच्चे उस फैसले को निभा नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे फ्यूचर में अनसक्सेसफुल रहते हैं, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड रहते हैं, क्योंकि माता पिता का थोपा हुआ फैसला जी रहे होते हैं। और लाइफ पार्टनर का फैसला भी अगर माता पिता की तरफ से होने लग गया तो वो हर बार सही होगा, ऐसा कहना गलत है। आता हूं मैं गीतांजलि जी आपके पास, एक बार फिर से हम मृणाली जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। मृणाली जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि संविधान के दायरों में जो सर्वोत्तम व्यवस्था होगी उस पर विचार किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमारे संवैधानिक दायरे इस किस्म की किसी व्यवस्था की इजाजत देते हैं? क्या उन दायरों में ऐसा कुछ मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। एक बात तो मैं ये फ्रैंकली कहना चाहूंगी कि ये जो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इंडिविजुअल लाइफ में कितना इंटरफियर करने वाली है। कल ये भी आ जाएगा कि कितने सांसें आप ले रहे हो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अभी ये जो दो एक एक लड़का एक लड़की उनकी शादी का जो सवाल है, ये जो निर्णय है उनको लेना चाहिए, और ना कि उनके लव मैरिज के लिए उनके पिता और या माता पिता से पूछना चाहिए। अगर आपने कानून में लड़की की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 21 इयर्स कर दी है, जो जो एक लीगली वैलिड मैरिज हो सकती है, तो एक तो आप ऐसा कीजिए कि लड़की की उम्र बढ़ा दीजिए, 21 साल कर दीजिए, ताकि वो भी नाबालिग जैसे ना समझे या और वो भी थोड़ी मेच्योर हो जाए।
या फिर आप पूरा फैसला दोनों पे छोड़ दीजिए एग्जिस्टिंग एज के हिसाब से, क्योंकि हर एक चीज में इंटरफियर करना और कहना कि माँ बाप का आप ये कर लीजिए, ये एब्सोल्युटली फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. जो लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जो प्यार में है और वो फैसला ले रहे हो, भले वो गलत हो सही हो वो आगे देखा जाएगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फादर और मदर जो कंसेंट दे देंगे तो वो ठीक ही रहेगा. तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना प्लीज छोड़ दीजिए. बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है आपको जो आपको डील करने हैं, उन पे आप ध्यान दे दीजिए, ना कि लड़की ने लड़की से करना चाहिए, पेरेंट्स ने सम्मति देनी चाहिए ये कि नहीं. ये सोशल ऑर्डरिंग जो चल रही है और मॉरल पुलिसिंग जो चल रही है गवर्नमेंट की, ये मेरे हिसाब से फंड कानून के दायरे में बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है. इनफैक्ट ये जो इंटरफियरेंस है, जी, लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, वो पहलू भी उसको देखना होगा कि यहाँ पर एक समाज विशेष की तरफ से ये मांग उठी है. उस समाज विशेष ने ये मांग उठाई है कि ऐसा होना चाहिए, तो हमें भी तो देखना होगा कि अगर उसके पीछे मांग उठी है तो उनकी सोच क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं. नहीं, पर ये बात भी सही है, समाज तो इंडिया का एक भाग है ना, ये अलग तो कोई प्लेनेट पे नहीं है ना, ये समाज, ये हमारे संविधान से कंट्रोल में है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया में है. तो ये समाज, ये नहीं करना चाहिए. इंडिविजुअल सिटीजन का जो हक है उसी पे ध्यान देना चाहिए. ऐसा करके आप काफी सारा डिवाइड कर रहे हो. आप क्यों डिवाइड कर रहे हो लोगों को? लोगों को एक साथ लेके आओ, एक कानून बनाओ. जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही, बहुत बढ़िया बात है जी. ये ऐसी चीजें आप लेके आइए, ना कि ऐसे कि लव मैरिज में पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए या उनका आशीर्वाद होना चाहिए. मैं आता हूँ मृणाल जी आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ. जीरत शौकत अली का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसे मसलों से अक्सर उनका सामना होता रहा है समाज में, ऐसी जब बातें होती हैं. तो जीरज जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बात आ रही है, क्या आप इसे मॉरेलिटी के दायरे में ही देख रही हैं, नैतिकता के दायरे में देख रही हैं? एक नए किस्म की नैतिकता यहां पर गढ़ी जा रही है, और ये जो आज के दौर में है, उस दौर के हिसाब से इस मांग को आप कैसे देखती हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो. आई थिंक ये लॉ जो है, ये जो ला रहे हैं, बोल रहे हैं, ये गलत है. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज एब्सोल्युटली यू नो टेकिंग अ सोसाइटी बैकवर्ड्स. एक बच्चे को जब आप बड़ा करते हो, पेरेंट्स ऑफकोर्स चाहते हैं हमारे बच्चे का बेस्ट हो, और वो सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत भी करते हैं. लेकिन ये बात जरूरी जानना है कि एज ऑफ मेच्योरिटी, जब हम कहते हैं कि कोई मेजर हो गया, मतलब ये कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट है, वो समझदार हो गया है, एंड दे हैव द फुलेस्ट राइट टू टेक अ डिसीजन. इसमें पेरेंटल इंटरफियरेंस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज आवर फॉर्मर पैनलिस्ट हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट. तो इसमें जो है ये मॉरल पुलिसिंग जो हम करने को जा रहे हैं, हमारे बच्चों को घेर रहे हैं, और यू नो इसका रिजल्ट आगे जाके आप देखोगे तो बगावत में भी बदल सकता है. तो यू सी, इसको बहुत यू नो डेलिकेसी, ये मामला डेलिकेसी का है, और ये मामला सच्चाई का भी है कि यू नो यू अ पेरेंट कैन नॉट इंटरफियर. देखिए, एक लॉयर होता है, वो अपने अपने क्लाइंट को बोल सकता है देखो ये सही है ये नहीं सही है, एंड ही कैन गिव द आउटवर्ड क्लॉजेस के ये क्या उनके दिमाग में क्या है कि वो बच्चा अगर करने जाए तो उनके प्रोस और कॉन्स क्या है वो समझा सकते हैं. लेकिन उनको डाउनराइट इंटरफियर करने से या मनाई करने से या रोकने से, वो लव मैरिज को रोकने से, आई कैन नॉट अग्री विथ इट. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अग्री, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है वो आगे जाके बहुत डिजास्ट्रस होते हैं. और बहुत सारी, यानी कि हम फिल्में देखते हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस देखते हैं, बहुत सारे आज यू नो इन अ लिबरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज, यू नो ये इस किस्म का थॉट जो है, आई थिंक इज अ वेरी रिडंडेंट एंड यू नो सॉर्ट ऑफ बैकवर्ड थॉट कि यू कीप इंटरफियरिंग यू नो इन योर चिल्ड्रंस लाइफ और एवरीथिंग. और ये भी है कि ये हर एक चीज जो अपने पेरेंट्स गाइडेंस देते हैं वो 100% राइट. करियर के मामले में भी आप देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो एक चीज पढ़ना चाहते हैं,
और माँ बाप उनको फोर्स करते हैं दूसरी चीज करने के लिए, तो यू सी द 100% पोटेंशियल वो बच्चे का लॉस हो जाता है. तो आई थिंक दैट इन दिस मैटर्स इट इज बेस्ट कि बच्चे जो है वो अपना डिसीजन ले सोच समझ के. यस, माँ बाप उनको उनको बताए उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनको गाइडेंस दे, वो अलग बात है. लेकिन इंटरफियर करे और उस चीज को रोकना चाहे और उस चीज में दखल दे, अंदाजी करे, यू सी. एक दूसरी बात ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अभी हाईकोर्ट के जो जज है कौशल ठक्कर साहब ने एक यू नो ही हैज शोन पेरेंटल कितने डाइवोर्सेज हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप की कॉन्स्टेंट इंटरफियरेंस रहती है यू नो मैरिजेस में, अपनी बेटी की मैरिजेस खास करके, और उसमें जो है वो मामला बिगड़ जाता है. लड़की जो अच्छे से चल रही है, अच्छे से उसका चल रहा है. मैं आता हूँ जिनत आपके पास, मैं आता हूँ, मैं सीधे यहाँ पर गोपी का, मैं गोपी का रुख करना चाहूंगा. गोपी, मांग उठी, उस पर रिएक्शन आया. अब सवाल ये है, जैसे हमें अपने लीगल एक्सपर्ट से भी जान रहे हैं कि संवैधानिक दायरों में ये मुमकिन नहीं है उनकी नजर के अंदर, लेकिन सरकार कह रही है कि इस पर मंथन किया जाएगा और सर्वोत्तम व्यवस्था की जाएगी. अब सवाल है कि इस अध्ययन का आधार क्या होगा, क्या ये अध्ययन पूरी सोसाइटी को लेकर किया जाएगा, क्या यह अध्ययन समाज विशेष को लेकर किया जाएगा, क्या अध्ययन के अंदर केस स्टडीज शामिल होंगे, क्या अध्ययन के अंदर युवाओं की सोच शामिल होगी, क्या अध्ययन के अंदर केवल मां बाप के पक्ष को रखा जाएगा, क्या अध्ययन में पूरे समाज को शामिल किया जाएगा, और इसका कोई टाइम फ्रेम होगा या नहीं होगा? देखिए, फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने इस तरीके की बात कही है. अब देखना भी दिलचस्प होगा कि संविधान में रहते हुए किस तरीके से इसमें बदलाव लाया जाता है, क्योंकि किसी एक समाज से मांग उठी है, उसे सभी समाज के लिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए. और साथ ही सबसे बड़ा सवाल, संविधान ने जब उम्र तय की है शादी के लिए लड़का और लड़की की, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो कानून का दायरा है वो कैसे पाबंदी ला सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है. और माँ बाप की मर्जी से अगर शादी करनी है तो वो धाम धूम से शादी करते हैं. कई बार ऐसा होता है जो हमने देखा है कि अगर लव मैरिज भी करनी है लेकिन दोनों परिवार वाले खुश हैं तो वो शादी अपने आप करवा देते हैं. लेकिन जब परिवार वालों में से किसी एक का परिवार नहीं मानता है तो मजबूरन होकर युवाओं को भी भाग के शादी करनी पड़ती है, उनको कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है, और बाद में 6 महीने बाद परिवार प्यार से मान भी ले है. तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं. और वैसे में अगर इस तरीके के जो बदलाव करने की बात हो रही है तो वो कितना जायज माने जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये होगा क्या संविधान में ये सबके लिए मुमकिन है. क्योंकि अगर वो लव जिहाद का नाम दे रहा है इस कानून, तो कहीं 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 ना कहीं कम्युनिटी पे जा रहे हैं, वो धर्म पर जाकर इसको बात कर रहे हैं. अगर पाटीदारों ने ये मांग खड़ी की है तो पाटीदारों का ये कहना है कि शादी करने के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं क्योंकि शादी ज्यादा वक्त तक चलती नहीं है. तो वैसे में प्रॉपर्टी क्या एक वजह हो सकती है इस तरीके के डिसीजन की, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे खड़ा हो रहा है. लेकिन संवैधानिक दायरे में जाके अब सरकार किस तरीके से इसमें बदलाव ला सकती है या सोच सकती है वो भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा. जी गोपी, आपके पास आते हैं. इस बीच इस मसले की भले ही ये जो मसला है वो भले ही गुजरात से उठा हो, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हमने कोशिश की है अलग अलग जगहों से लेने की. दिल्ली के लोग इस मामले पर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नजरिया है इसको लेकर, इस पूरे इशू को लेकर, जरा वो देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. आई थिंक ये कानून काफी सपोर्टिव है एंड ये होना ही चाहिए पेरेंट्स की परमिशन के. एंड वी आर मैच्योर, हमें पता है कि हमें खुद के डिसीजंस लेने हैं, लव मैरिज आज के टाइम पे है, ओपनली कर सकते हैं. लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न होना वो हमारे फ्यूचर के लिए भी काफी बेनिफिशियरी, हम देख सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में. लव मैरिज कर रहे हो तुम तो उसको पहले लव को अरेंज में बदलो ताकि जिसमें लड़की भी खुश रहे और लड़का भी खुश रहे. अब तुम अरेंज मैरिज करोगे, लड़की लड़की आपस में जानने में उनको टाइम लगेगा, तो पहले अपनी फैमिली से मिलवाओ ताकि वो उस लड़की को जान सके. आई थिंक इंडियन सोसाइटी की सब देखोगे तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, होना चाहिए. और अगर दिल के हिसाब से देखोगे तो इट इज़ काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर आप यू आर फॉल इन लव फिर तो यू नो पेरेंट्स भी कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं. मेरा लव मैरिज में पूरी तरह से विश्वास है और मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा कंसेंट, पेरेंट्स का कंसेंट हमेशा होना चाहिए. लेकिन जहाँ तक बात लॉ की आ रही है तो मेरे को लग रहा है कई जगह भी ऐसा भी होगा कि पेरेंट्स उनको फिर दबाना शुरू कर देंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम.
तो देखा आपने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। गुजरात में हमने देखा कि गुजरात में लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं। दिल्ली में आपने देखा कि लोग सपोर्ट में भी हैं और लोगों के मन में संशय भी हैं। मैं सीधे यहां पर मृणाली जी का रुख करना चाहूंगा। मृणाली जी, बात हक की अगर हो रही है, अगर एक भारतीय जो शादी विवाह की व्यवस्था है, जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर केवल दो लोगों का ये मेल नहीं होता, यहां पर ये दो फैमिलीज का यहां पर मेल होता है। उस नजरिए से भी चीजों की यहां पर व्याख्या की जा रही है, उस नजरिए से भी चीजों को यहां पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि लड़का शादी करना लड़का लड़की का अधिकार है, तो इस शादी का जो इंस्टीट्यूशन है इसमें मां बाप भी एक पक्ष है, उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए कानून क्या संरक्षण देता है? नहीं, कानून तो बहुत क्लियर है। कानून एक इंडिविजुअल की जो राइट्स है उसको, ये हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर में शादी दो परिवारों के साथ भी होती है, पर शादी लड़का और लड़की में ही होती है और उस शादी के वजह से परिवार एक साथ हो जाते हैं। तो ये कहना कि शादी दो परिवारों में होती है, ये जो नॉर्मली कहा जाता है, मेरे हिसाब से वो एक गलत बात है। दूसरी बात यह है कि लड़के को और लड़की को रिश्ता निभाना है तो उनको उनके एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, उनके फाइट्स होंगे, उनके जो कुछ भी है, वहां पे पेरेंट्स का रोल थोड़ी परसेंटेज में एडवाइजरी रहेगा कि एडवाइस करने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, और ये एडवाइस करना, पर किसी भी तरह से इंटरफियर करना हमारे हिसाब से ये इंडिविजुअल राइट्स पे एक एब्सोल्यूट अटैक आ जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहती कि ये हमारे कानून में, ये हमारे जो हमारे लॉज कोडिफिकेशन हुए हैं 1955 से, उसके इट इज मैरिज इज बोथ अ सैक्रामेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू टेक हिंदू मैरिज एक्ट, तो हिंदू मैरिज एक्ट में सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए कहते हैं कि लड़की और लड़की की उम्र जो है 18 और 21 है, जब एज ऑफ मेजोरिटी होती है तभी आप शादी कर सकते हैं। और सैक्रामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू समाज में फेरे होते हैं। मृणाली जी आपके पास आएंगे। आज चर्चा हो रही है उस आवाज की जो गुजरात से उठी है, और मसला क्या है? मसला ये कि लव मैरिज पर क्या माँ बाप की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए, इस मसले को लेकर चर्चा हो रही है। हम सीधे मृणाली जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। मृणाली जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल हमने किया था उसका दूसरा पक्ष एक ये भी था, वो था माँ बाप की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उससे जुड़ा हुआ। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि शादी चाहे अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो, उन इनसिक्योरिटीज को क्या लीगल रेमेडीज होती हैं जो एड्रेस करती हैं, क्या वो कानूनी पक्ष है जो उनको एड्रेस करता है? क्योंकि एक बड़ी सोच यहां पर ये भी रहती है। मृणाली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए जी। सवाल हमारा ये था कि शादी के एक पक्ष पे आपने बताया कि लड़के लड़के का अधिकार है, लेकिन एक पक्ष माँ बाप का भी है, उनकी जो इनसिक्योरिटीज हैं कई बार जहन में जो आती हैं, उनको लीगली कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उनके कानूनी हक हकूक के बारे में भी यहाँ पर बात होना जरूरी है। देखिए, जो पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनका बच्चा है या उनकी लड़की है और उनको ये चाहते हैं कि उनका अच्छा होना चाहिए। पर देखिए, उनका जो कंसर्न है, इनकी इनसिक्योरिटी को हम देख के कुछ नहीं कर सकते, पर उनकी जो कंसर्न है उसके बारे में हम थोड़ा सेंसिटिविटी से बात कर सकते हैं। पर जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है हमें। तो ये जो पेरेंट्स की जो इनसिक्योरिटी उसके बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, पेरेंट्स की जो कंसर्न है उसको हम बिल्कुल सेंसिटिविटी के साथ देख सकते हैं। पर अभी अगर आप किसी को मेजर समझते हो, बालिक समझते हो, और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की जो अगर दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीव एंड लाइसेंस, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज अ अपार्टमेंट, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ये सब उनको आप राइट्स देते हो, तो जब शादी की बात आती है तो आप एकदम से क्यों बोलते हो कि नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, उनसे पूछने की बात होनी चाहिए? क्या आपको आपके बच्चों पर विश्वास नहीं है? और अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी गलत ऑप्शन ले रहे, तो आपका एक एडवाइजरी रोल होना चाहिए
वो मैं जरूर कहूंगी कि उनको कहना चाहिए कि शायद ये लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, पर फाइनल डिसीजन जो है आपको उनके उनके बच्चों को पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, दे हैव टू फेस इट, गुड बैड अगली वट एवर इट इज. इसके लिए पेरेंट्स का, और जैसे हमारे और एक पैनलिस्ट ने अभी कहा कि शादी से पहले और शादी के बाद कोई भी पेरेंट्स का इंटरफियरेंस अननेसेसरी अनवारंटेड बिल्कुल उस वो शादी को बर्बाद कर देता है. उनको उनकी उनकी जिंदगी जीने दीजिए, उनके मिस्टेक्स उनको करने दीजिए, उससे वो सुधरेंगे, उससे वो शायद दे बिकम अ बेटर कपल, दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर. आजकल सब रेमेडीज अवेलेबल है, थेरेपीज है, काउंसलिंग है. तो मेरे हिसाब से लड़का और लड़की को एक साथ रहने के लिए काफी सारे ऑप्शंस है, पर पेरेंट्स का एडवाइजरी रोल जरूर होना चाहिए, पर ना कि उनकी कंसेंट या उनकी परमिशन लेनी चाहिए. जी मैं आता हूँ मृणाली जी आपके पास, मैं गीतांजलि जी का रुख करना चाहूंगा. गीतांजलि जी, जब भी शादी ब्याह की बात आती है तो हमारी परंपराएं, हमारे जो सामाजिक संस्कार हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो ट्रांसफर होते आ रहे हैं, वो सामने आती है. हमारी एक मॉरलिटी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, वो सामने आती है. लेकिन दौर बदल रहा है, जमाना बदल रहा है. क्या आपको लगता है कि इस किस्म की अगर सोच उभर रही है, इस किस्म की बात अगर हो रही है, तो एक द्वंद्व यहां पर देखने को मिलता है, एक वैचारिक द्वंद्व यहां पर देखने को मिलता है. वैचारिक द्वंद्व जो है इस किस्म के मसलों की भूमि और जमीन तैयार करता है. देखिए डेफिनेटली वैचारिक द्वंद्व तो उभर रहा है, लेकिन इस वैचारिक द्वंद्व में अगर हम मंथन करेंगे तो एक अमृत निकलना चाहिए, और अमृत वो निकलना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए. बच्चे जो है वो माता पिता की जागीर नहीं है. माता पिता का धर्म है उनका पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना. उनके साथ विचार विमर्श हो सकता है, संवाद हो सकता है, बच्चों को सहमति मिल जाए बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मिल रही है, माता पिता क्यों अड़चन डाल रहे हैं? अगर बच्चे और माता पिता के रिश्ते में अविश्वास ना हो कि विश्वास रहेगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगी, तो बच्चे माता पिता की बात को समझ पाएंगे, माता पिता बच्चों की चॉइसेस पर कॉन्फिडेंस कर पाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि हमारे समाज में हम अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही मान के चलना चाहते हैं. 20 साल का बच्चा भी, 20 साल का व्यक्ति भी बच्चा है माता पिता के लिए, जब वो 40 का हो जाता है तब भी वो बच्चा है माता पिता के लिए. एक 60 साल के व्यक्ति के को जो रिटायर हो जाता है उसकी माँ के लिए भी वो बच्चा ही है. माँ उसी तरीके से रोक टोक करना चाहती है, उनको लगता है कि ये प्यार है. प्यार की भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, हर रिश्ते की मर्यादा होनी चाहिए. कई बार हम वो मर्यादा लांघ जाते हैं. बच्चों के चुनाव जो है वो माता पिता से अलग होंगे. आज का जैसे सामाजिक ढांचा बदल रहा है, उसमें बच्चों की चॉइसेस बदल गई है. अब आजकल शादी में कई लोग उतना खर्चा नहीं करना चाहते, बहुत सादगी से शादी करते हैं. वो रेंट पे कपड़े लेके शादी करने में ज्यादा बेहतरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मिलके घूमने जाना बेहतर होगा. मतलब बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं, क्योंकि सोच बदल रही है, विचारधारा बदल रही है. और जब हम मान रहे हैं कि हमने ऑल इंक्लूसिव समाज बनाना है, तो ऑल इंक्लूसिव समाज में तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त होना. जी गीतांजलि जी, आपके पास आपके पास केसेस आते होंगे, आपके सामने ऐसे कई मामले आते होंगे जिनको आप देखती होंगी. दोनों पक्ष हैं उसमें, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, उनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, केवल उसमें टकराव भी देखने को मिलता होगा. अब तो उसमें क्या आपको बेसिकली नजर आता है कि ये जो एक किस्म का संशय एक दूसरे के प्रति, वो आपको बेसिक उसकी कॉज नजर आती है, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको उसका कॉज नजर आता है, या फिर एक कहीं इमोशनल बॉन्डिंग में वो टूटन आपको उसका कॉज नजर आती है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहता है. बच्चों को माता पिता पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि बच्चों को कई बार ये लगता है हमको कंट्रोल किया जा रहा है. माता पिता को बच्चों की चॉइसेस पे कंट्रोल नहीं है, उन्हें लगता है कि समाज जो है वो मेरे बच्चे को बरगला रहा है, किसी ने मेरे बच्चे का मन ब्रेन वॉश कर दिया है, इमोशनली वॉश कर दिया है. तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है. और कई बार बच्चे घर से वो स्नेह, वो आदर, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं ले पाते, इसलिए उनका झुकाव बार की बाहर हो जाता है, दोस्तों में जाता है. और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कई बार बच्चे जो है
तो गलत चुनाव भी कर लेते हैं। बट जैसा कि अभी मेरे से पहले वाले पैनलिस्ट भी कह रहे थे, गलतियों को सुधारने का स्कोप है। हम पहले कहते थे कि शादी अर्थी तक निभाई जाती है, आज शायद वो हमारी समझ, हमारी सोच बदल गई है। अगर हमारे में गलत फैसला हो गया है तो उसको चेंज करने का, उसको सुधारने का स्कोप भी हमें हमारा कानून देता है, और हर व्यक्ति को हक है। और अगर बच्चे और माता पिता मिलजुल के शुरू से बात करते रहे, आपस में संवाद करते रहे, एक दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते रहे, माता पिता को ये ना लगे कि हमारी हर बात बच्चे को माननी ही माननी है, हम माता पिता थोप नहीं सकते। वो खलील गिब्रान ने कहा है ना, योर चिल्ड्रन आर येट योर चिल्ड्रन बट नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन्स एंड डॉटर्स फ्रॉम सम अदर गॉड। हमें मानना होगा दे आर थ्रू अस बट नॉट फॉर अस। चलिए मैं आता हूँ गीतांजलि आपके पास, मैं जीनत शौकत अली का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। जीनत जी, अब इस पूरे मसले के दो बिंदु मुझे नजर आते हैं। एक है चिंता से जुड़ा हुआ, जो जहां से डिमांड उठी है, एक उस धरातल पर लोग खड़े नजर आते हैं, और एक है संकीर्णता से जुड़ा हुआ। तो आप इन दोनों धरातलों को देखकर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये चिंता ज्यादा हावी हो गई है या संकीर्णता ज्यादा हावी हो गई है? देखिए, जो मेरा ओपिनियन ये बात में है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो लीगल राइट्स जो है, जो लिबर्टीज जो दी गई है बच्चों को, और द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट वंस यू आर ऑफ एज, वो उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और पेरेंट्स जो है, उनका एडवाइजरी रोल है, जो उनको आप बच्चों को आप गाइड करें, बच्चों को गाइडेंस दे, लेकिन उनको कंट्रोल करें, फ्री कंसेंट को आप घेर लें और वो बंदिश में बच्चों को बांध दे, और बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी आप समझे, जैसे जागीर बताया गया, दैट इज नॉट राइट। अच्छा, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं आपको ये बताऊं कि पेरेंट्स जो है हमेशा अपने बच्चों का बेहतर बेहतर चाहते हैं, और बहुत सारे यहाँ अच्छे ओपिनियंस आए हैं। जहाँ जिस किस्म का यू नो जेनरेशन गैप जो है वो ब्रिज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, कम्युनिकेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप समटाइम्स बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। तो वो कम्युनिकेशन गैप आप कम कीजिए, वो यानी कि एक बच्चा, लेकिन ये चीज जरूरी है कि हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे आप औलाद हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। अगर एक बच्चा चाहे कि मैं किसी से शादी करूं और उसके साथ घर बसाऊं, तो माँ बाप को, जो ज्यादा मच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, उनको आगे कदम और बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आई फील रादर देन बिकम ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस बनने से रिलेशनशिप्स भी टूट जाते हैं, और जो दिल में यू नो रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए वो भी कम होता है। तो यू सी, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई सिंपल आंसर्स नहीं है, लेकिन ये यस मेरा यू नो आई वुड से एज अ पर्सन विथ माय ओन चिल्ड्रन आई वुड से यस यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तुम हमने तुमको एजुकेट किया, तुमको वैल्यू सिखाए, तुमको बड़ा किया, अब ये जिम्मेदारी जो है, बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी को तुम उठाओ और तुम अपने आप से आगे बढ़ो, और ये आपका संविधान आपको कह रहा है। तो यू सी, बच्चों को जैसे कि एक पेरेंट है और एक टीचर है, अपने हाथ पकड़ के बच्चों को फ्लाई करने को सिखाते हैं, यू नो लाइक हेलेन केलर सेड दैट व्हेन अ चाइल्ड एंड व्हेन अ पेरेंट एंड अ टीचर होल्ड हैंड्स टू मेक द चाइल्ड फ्लाई, सो द पेरेंट्स आर लाइक दैट, यू सी, सो दैट वो रिलेशनशिप ऐसा होता है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली द विल ऑफ द इंडिविजुअल बॉय एंड द गर्ल मस्ट प्रिवेल। जी जीनत जी, आपके पास आता हूँ, चर्चा बाकी मेहमानों से भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच देख लेते हैं कि जो मुंबई के लोग हैं वो इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पेरेंट्स का उतना कंट्रोल नहीं होता है, ये दो इंडिविजुअल के बीच की बातें होती है, सो पेरेंट का एग्री होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा रूल होना कहीं ना कहीं गलत है। तो माँ बाप जो पढ़ा लिखा, जो पाल पोस को बड़ा किए, वो किसके लिए किए, वो बड़ा सवाल है पहली बात तो। और उसके रख रखाव अगर नहीं करेंगे हम लोग माँ बाप का, तो कौन करेगा? बहुत लोग करते हैं लव मैरिज में कि लड़के लेके भाग जाते हैं, फिर उसको देख कोई नहीं कर पाता बाद में,
तो वो सब छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो वो सब जो समाज जब पिछले समाज जो हम लोग था पिछले मतलब कि कई साल पहले जो चला था रीति रिवाज और रीति रिवाज अभी छूट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर जोर दिया जाए। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इसको लागू किया जाए। जो अभी लव मैरिज कर रहा है उसको बिना परमिशन का, माँ बाप के परमिशन के बिना शादी अनिवार्य नहीं है। शादी मतलब करेगा तो उसका परमिशन जरूरी है। तो देखिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लगातार मृणालिनी जी आप लोगों के सामने आ रही हैं। लोग अपने अपने नजरिए से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई परंपराओं का हवाला दे रहा है, कोई संस्कृति का हवाला दे रहा है, कोई नैतिकता का हवाला दे रहा है, कोई माँ बाप का हवाला दे रहा है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग का हवाला दे रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे है, एक तरफ हमारे देश में बात हो रही है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और उसके अंदर एक कानून की छतरी के नीचे सबको लाने की बात यहां पर हो रही है, और वो तमाम अलग अलग पहलू हैं उसके, उनको शामिल करने की बात हो रही है। अब ये बात उठ रही है यहाँ पर कि लव मैरिज पर माता पिता की मंजूरी अनिवार्य की जाए, इसका एक खाका तैयार हो, इसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो और इसके ऊपर मंथन किया जाएगा। क्या आपको लगता है दो बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं? एब्सोल्युटली, मैंने वही कहा पहले कि ये जो आज का जो अभी दौर चल रहा है और हम यही सोच रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए एज फार एज मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और अदर जो पर्सनल लॉज है उसके बारे में, ना कि अलग अलग जिसके जिसके तरह से किसी एक कम्युनिटी को उस पे देर इज अ लॉट ऑफ oppression by the religious customs and the rituals or religion ke interpretation se aur baki ke jo religion mein hote hain unko usi taur pe equal rights milte hain. To agar humko uniform civil code lana zaruri hai aur mere hisab se bahut hi zaruri hai, to jab ye charcha chal rahi hai to maa baap ka consent, unke ek extraction of society ke liye karna, ye hum sabko divide kar rahe. और मेरा ये जो बेसिक ऑब्जेक्शन है कि हम लोगों को एक साथ आके एक ही कानून जो सबको हो, कोई भी जात का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उनके जो पर्सनल लॉज है वही एक ही टाइप के होने चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए, भले आपके घर में कुछ भी कर सकते हैं जी। आता हूं मृणालिनी जी आपके पास, मैं सीधे रुक करूंगा गीतांजलि का। मेरा आखिरी सवाल गीतांजलि जी आपसे, एक जो चर्चा के अंदर बात निकल कर आई, लोगों के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने आए, उसमें एक परंपराओं का हवाला भी दिया गया, सामाजिक संस्कार का भी हवाला दिया गया। लोगों को ये भी कहना है लोगों का कि वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं, इसलिए इस पर कुछ ना कुछ नियम कायदा होना चाहिए। ये टूटन क्या आपने भी देखी जब आप लोगों से मिले हैं तो? गीतांजलि जी जी बिल्कुल, तो समाज में कहीं ना कहीं इस चीज का एक शैटरिंग इफेक्ट दिखता है, बट लेकिन हम उसको ही मद्देनजर रखते हुए इस तरह के सख्त कानून की बात करें तो ये थोड़ी सी ज्यादती महसूस होती है, क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसके रिजल्ट कहीं अच्छे भी आते हैं, कहीं खराब भी आते हैं। हम वो खराब रिजल्ट्स को देखते हुए इस फैसले की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें कई अच्छी चीजों की के साथ, कई अच्छे लोगों के साथ जो अच्छी जिंदगी जी सकते थे दो इंसान मिलकर, उन सबके साथ ज्यादती हो जाए। तो एक मिडिल पाथ निकालने की जरूरत है अगर हमें लगता है, और वो अपब्रिंगिंग में आना चाहिए, संस्कार में आना चाहिए, वैल्यूज में आना चाहिए, ताकि घरों बच्चियां भाग के शादी करती क्यों है? बच्चियां अपने घर में अपने परिवार में अपनी चॉइस बता नहीं पाती है क्या, या उन्हें कहीं पर सप्रेस्ड रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने गीतांजलि जी यहां पर बोली है कि कोई एक ऐसा मिडिल पाथ निकलना चाहिए जो बैलेंस बना के रखे, और ये जो बात गुजरात से उठी है चैलेंज यही है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।